वैराग्य जीवन में जरूरी है। वैराग्य के बिना भक्ति भी अधूरी रहेगी और वैराग्य के बिना विचार मार्गी साधक भी अधूरा रहेगा। वैराग्य से ही भक्ति की रक्षा होती है। वैराग्य जरूरी है। वैराग्य माने कोई जंगल में जाकर बैठ जाने का नाम वैराग्य नहीं है। घर में रहे परंतु उदासीन वृत्ति, उदासीन वृत्ति, जैसे उदासीन खड़ा होता है ना जयराम जी की, उदासीन वृत्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा भरतरी को वैराग्य आया। राजा भरतरी सब छोड़कर चले गए। वैराग्य शतक लिखा। इतने राजा भरतरी पहले भोगी आदमी थे कि श्रृंगार शतक भी लिखा था। और जब वैराग्य आया भोगों से तो ऐसा प्रखर वैराग्य आया कि वैराग्य शतक भी लिखा राजा भरतरी ने। एक दिन राजा भरतरी एकांत में बैठे थे। दूर से राजा भरतरी ने घोड़ों की टाप की आवाज सुनी। घोड़े दौड़ते आ रहे हैं, ऐसा आवाज सुनाई दिया। दूर देखा राजा भरतरी ने कि दो व्यक्ति हैं कोई घोड़ों पर आ रहे हैं, घोड़े तेज दौड़ रहे हैं। उस तरफ नजर पड़ी तो फिर थोड़ा इधर को राजा भरतरी की नजर पड़ी। सूर्य की चमकती किरणों में देखा एक हीरा पड़ा है। राजा भरतरी को हुआ कि हीरा, सोचा कि ले लूं काम आएगा। जो ही हीरा लेने के लिए उठे राजा भरतरी, त्यों ही फिर उनके दिल में विचार आया कि ये तो एक हीरा है, मैं तो ऐसे कितने ही हीरे पत्थर और कंकड़ जानकर छोड़कर आया हूं। हीरे को तो पता ही नहीं मैं हीरा हूं, ये तो हम लोग उसमें थोप देते हैं ये हीरा है बड़ा कीमती है। हीरे को पता है, हम थोप देते हैं, हमारी महत्व बुद्धि हो जाती है। पर जिसकी भगवान में महत्व बुद्धि होती है, गुरु चरणों में महत्व बुद्धि होती है, उसकी हीरा सोने चांदी इसमें महत्व बुद्धि होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं कि हो जाए। तो राजा भरतरी को पहले तो ख्याल आया कि ले लूं, पर फिर विचार आया कि इनकी व्यर्थता जानकर ही तो मैं सब छोड़कर यहां आ गया, और अभी एक हीरा लेने के लिए जाऊं, हट। फिर आकर अपनी जगह पर बैठ गए। इतने में वो जो दो घोड़े सवार थे, दौड़ते घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते आ रहे थे, वो दोनों आए और उनकी नजर भी हीरे पर पड़ी। तो एक घोड़े सवार हीरा उठाने लगा, दूसरे ने तलवार निकाली मयान में से, खबरदार सावधान, जो इस हीरे को हाथ लगाया तो पहले मेरी इस हीरे पर नजर पड़ी है, पहले मैं इसका मालिक हूं। वो बोला नहीं, पहले दूर से मेरी नजर पड़ गई थी। वो बोला नहीं, पहले मेरी नजर पड़ी थी। वो बोला नहीं, मेरी नजर पड़ी थी। अरे बोले तू क्या समझता है, बोले तू क्या समझता है। दोनों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के छाती में घुसा दी, मर गए। राजा भरतरी दूर से देख रहे थे कि कमाल है, एक हीरा पाने के लिए दोनों ने अपना ये मानव तन रूपी हीरा गंवा दिया। कैसे मूढ़ लोग हैं, एक साधारण हीरे के लिए अपना ये कीमती पायो रतन अनमोल ये गंवा दिया। अब देखो एक भरतरी भी थे, उन्होंने हीरा देखा पर उसकी व्यर्थता और निस्सारता पता थी, आकर फिर शांति से बैठ गया। और एक वो भी थे कि वो हीरा पाने के लिए एक दूसरे को मार डाला। तो राजा भरतरी को सत्संग मिल गया था ना गुरु का, विवेक जगा, वैराग्य जगा। एक क्षण के लिए भले थोड़ा आकर्षण हुआ पर फिर सजाग हो गए और वो दोनों लड़ मरे। तो जिनको सत्संग मिल जाता है, जिनको सदगुरु मिल जाते हैं, उनका विवेक वैराग्य प्रखर हो जाता है।
फिर उनकी इन चीज़ों में महत्व बुद्धि नहीं होती, बाकी के लोग उन्हीं चीज़ों को पाने की लालच में लोभ में मर जाते हैं, जीवन पूरा कर देते हैं। और जब जीवन पूरा होता है तो पछताते हैं, रोते हैं, क्यों? मौत के कारण नहीं, नहीं रोते हैं इसलिए कि हाय हमको इतना बढ़िया जीवन मिला था पर हमने अपना समय यूं ही गंवा दिया, हमें अपना समय सार्थक करना था परंतु जहाँ मन लगाना चाहिए था वहाँ हमने नहीं लगाया और जहाँ नहीं लगाना चाहिए था वहीं अपना जीवन तबाह कर दिया मूढ़ों के संग में। इसलिए जिसको साधना करनी हो उसको पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि मूढ़ व्यक्तियों का संग न करे, जो ज़्यादा भीतर गया हो उसका संग करे, नहीं तो अकेले रहे। वैसे भी अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, अकेले रहने की आदत डाले। अगर ऊंचा संग न मिले तो मूढ़ का संग तो न करे। मूढ़ माने जो अपना नहीं उसे अपना माने और जो अपना है उसको पराया जाने, उसको मूढ़ कहते हैं। चीजें अपनी है सदुपयोग करने के लिए पर उसको अपनी मान ले और अपने लिए मान ले, वो मूढ़ है। मूढ़ माने परिणाम में दुख देने वाले भोगों की रुचि खूब रखे, वो मूढ़ है। और साधक माने परिणाम में दुख देने वाले भोगों की आसक्ति त्याग दे और परिणाम में सच्चा आनंद दिलाने वाली गुरु चरणों की भक्ति में दृढ़ हो जाए, उसका नाम साधक है। और मूढ़ माने परिणाम में दुख देने वाले भोगों में आसक्त हो जाए, वो मूढ़ है। हमें तो याद नहीं कोई खुशी ऐसी कि शरीक जिसमें मलाल न हो, हमें मालूम नहीं कोई ऐसी खुशी, कोई ऐसी दुनिया की खुशी नहीं जिसमें शरीक मलाल ना हो। उसमें मलाल है, दुख है, शोक है, परेशानियां हैं, साधना में भक्ति में कोई परेशानी नहीं, आनंद है आनंद। ऐसा कल्याणकारी रास्ता छोड़कर जो भोगों के रास्ते पर जाए, आप खुद सोचो कि उसको क्या कहा जाए, मूड है। इसको गीता में भगवान ने कहा, जानन्ति माम मूढ़ा, कई जगह मूढ़ शब्द गीता में कहा, आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अवजानन्ति माम मूढ़ा, नौवां अध्याय, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि सोलवां अध्याय। ये भगवान ने कई जगह गीता में कहा है। तो जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा सेवक होता है, वो सेवक यश कीर्ति चाहता नहीं पर यश कीर्ति उसके पीछे पड़ती है। माने विषय भोगी जिसका दास है वो सेवक की दासी होती है। जिस प्रकार आग ज्यों ज्यों प्रज्वलित होती है लकड़ी त्यों त्यों अग्नि बनती जाती है, उसी प्रकार ज्यों ज्यों सेवक की सेवा भावना प्रबल होती जाती है त्यों त्यों सेवक की सत्ता सेव्य से अभिन्न होती जाती है। बस फिर नहीं द्वैत रहा समय एक भया, पर फिर भी गुरु के आगे तो कदाचिदपि नो कुरियात अद्वैतम गुरु सन्निधो, गुरु के आगे अद्वैत नहीं, बाकी तो सब जगह एको हम द्वितीयो नास्ति, पर गुरु के आगे जाएगा तो ये मेरे गुरुदेव हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूँ, ये मेरे मालिक हैं, मैं इनका चाकर हूँ, ये मेरे भगवान हैं, मैं इनका भक्त हूँ, ये रहेगा भाव। बाकी सब जगह गुरु गीता का श्लोक है ना, अद्वैतम भावये नित्यम सर्वावस्था सु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्याद अद्वैतम गुरु सन्निधौ। फिर तो ऐसे गुरु के लिए होगा कि बस मेरे गुरुदेव का ज्ञान अनंत काल तक अनंत लोगों को मिलता रहे, मेरे गुरुदेव दीर्घायु हो, मेरे गुरुदेव चिरंजीवी हो, खूब खूब मेरे गुरुदेव की आयु बढ़े, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे जो ज्ञान दिया, मुझे जो शांति दी, वो भविष्य में गुरुदेव के द्वारा औरों को भी मिलती रहे। तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुमको मेरी उम्र लग जाए, तुम बता दो कोई ऐसा
सा उपाय, तुम बता दो कोई ऐसा उपाय। दीर्घायु हो तुम, चिर आयु हो तुम, दीर्घायु हो तुम, चिर आयु हो तुम, तेरी सेवा और दर्शन नित पाते रहे, नित पाते रहे। सकते तुमसे हम दूरी, नहीं सह सकते तुमसे हम दूरी, मेरी दुनिया तेरे बिन दूरी, मेरी दुनिया तेरे बिन दूरी, मेरे स्वामी हो तुम, मंतरयामी हो तुम, अपनी सांसों में तुमको बसाते रहे, बसाते रहे। गुरुदेवा ओ गुरुदेवा, गुरुदेवा ओ गुरुदेवा। तेरा साथ कभी ये ना छूटे, तेरा साथ कभी ये ना छूटे, तुमसे बंधन कभी ये ना टूटे, तुमसे बंधन कभी ये ना टूटे। मेरा जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम, जीवन हो तुम, मेरी धड़कन हो तुम, अपनी प्रीति को तुझ में बढ़ाते रहे, हम बढ़ाते रहे। गुरुदेवा ओ गुरुदेव, सुन लो प्रभु जी हमारी, अर्ज सुन लो प्रभु जी हमारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी, हमको क्षण क्षण जरूरत तुम्हारी। जब से तुमको पाया चैन मन को आया, जब से तुमको पाया चैन मन को आया, तेरे चरणों में मस्तक झुकाते रहे, झुकाते रहे। गुरुदेवा प्रकार सेवक की भावना हो जाती है, और जगह तो अद्वैत
पर गुरु के सामने द्वैत, और वो द्वैत भी अद्वैत से ज्यादा सुंदर होता है, विशिष्ट अद्वैत। बड़ा आनंद होता है उसमें, बड़ी शांति, विश्रांति, जो कहो। अभी कुछ क्षण, फिर अपनी जीभ को तालों में लगाकर अपनी शुद्ध मय का स्मरण करते हुए उसी में शांति पाएं। जीभ को हो सके तो अनुकूल पड़े तो जीभ तालों में लगा दें। आंख खुली या बंद, जैसा अनुकूल लगे। मन ही मन कृपा सिंधु गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, आपने कृपा करके हमें जो ज्ञान दिया है उसमें हमारी स्थिति दृढ़ हो। हे ज्ञानदाता गुरुदेव, आपके चरणों में हमारी भक्ति दृढ़ हो। संसार से हमारी विरक्ति दृढ़ हो। आपके चरणों में अनुरक्ति दृढ़ हो। संसार की आसक्ति नष्ट हो।
हमारी प्रेमा भक्ति दृढ़ हो। बहुत समय बीत गया, अब जो समय बचा है, हे भगवान, ये हमारा जिंदगी का शेष समय, हे निर्विशेष, आपकी उपासना में लग जाए। एक रिटायर्ड जज रोज शाम को सैर करने जाते थे। एक शाम को सैर करने गए, सड़क के किनारे कुछ झोपड़ियां थी, अंदर से आवाज आई। बाप ने बेटी को कहा, बेटी संध्या हो गई, अभी तक दिया क्यों नहीं जलाया? रिटायर्ड जज ने ये आवाज सुनी, ये शब्द सुने, शाम हो गई, अभी तक दिया क्यों नहीं जलाया? जज के हृदय का कोई बंद द्वार था, वो खुल गया। उसके हृदय की वीणा के तार झंकृत हो गए। सचमुच जीवन की शाम हो गई, अभी तक मैंने आत्म ज्योति नहीं जगाई, नहीं पाई। वो जज लौट कर घर नहीं गए। समर्थ संत के चरणों में जाकर आत्मज्ञान का उपदेश पाकर अपना कल्याण कर लिया। जिंदगी के दिन बीते चले जा रहे हैं। एक घंटे में 900 श्वास खर्च हो जाते हैं। हे गुरुदेव, हे कृपा सिंधु बापू, काश हमें आपका सानिध्य पहले मिल गया होता तो कितना अच्छा होता। हम इतने वर्षों तक आपके चरणों में क्यों नहीं पहुंच पाए गुरुदेव? फिर भी परम सौभाग्य की बात है कि आप मिल तो गए गुरुवर, और हमने सही मार्ग पर कदम रखे हैं। मन में विश्वास है कि हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि पहुंचाने वाले के हाथ समर्थ हैं। गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हैं। अब हमें किस बात की चिंता? अब हम आपको न भूलें कभी भी गुरुवर, आपकी याद हमेशा हम सभी भक्तों के दिल में रहे। और हमसे कभी कोई भूल हो जाए तो जैसे बच्चे से कोई भूल हो जाती है, माँ बाप उसे बच्चा जानकर क्षमा कर देते हैं, अपने से दूर नहीं करते हैं। गुरुदेव, हम भी अभी
जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है तो कभी कभी गिर भी पड़ता है, हम भी अगर कहीं अटके गिरे तो बापूजी हमें अपने चरणों से दूर नहीं करना, हमें अपने दिल से न निकालना, हमें सपने में आकर भी प्रेरणा देना प्रभु, और हमें अपने दिल में जगा देना, हमें अपने चरणों में जगा देना, हम आपसे कभी दूर न जाएं। बहुत जन्मों तक दूर रहे प्रभु, अब इस जन्म में दूर न करना। तुमसे जुदाई सह नहीं सकते, बिन तेरे हम रह नहीं सकते, ना करना दूर हमको। तुमसे जुदाई सह नहीं सकते, तुमसे जुदाई सह नहीं सकते, रह नहीं सकते, बिन तेरे हम रह नहीं सकते। ना करना दूर हमको, मेरे गुरुदेवा, ना करना दूर हमको, मेरे गुरुदेवा, न तुम बिन चाहिए जन्नत मुझे हुजूर। बापू आपके बिना हमको स्वर्ग के सुख भी नहीं चाहिए गुरुदेव, आपके बिना हमको वैकुंठ का सुख भी नहीं चाहिए, वो वैकुंठ किस काम का जहां मेरे गुरुदेव ना हो। हे कृपा सिंधु, मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तुमसे सदा मैं तुमको ही मांगू, तेरी याद में ही सोऊं और जागूं। बापू हम जब सोए तब भी आपकी याद आए, और नींद में सपने में भी हमें आपके दर्शन हो, और जब हमारी आंख खुले गुरुदेव तब भी हमें आपकी ही याद आए। बस क्यों करुणा निधान हो तुम सबसे प्यारे, सबके गुरुवर तुम्ही हो सहारे, तेरे दर्शन नित पाऊं मेरे गुरुदेवा, तेरे दर्शन
नित पाऊं मेरे गुरुदेवा। धन भागी हैं वो भाई, धन भागी होती हैं वो बहनें, जिनकी आंखें भगवान की याद में गीली हो जाया करती हैं, जिनकी आंखों में भगवत भक्ति के आंसू होते हैं, उनके लिए संसार सागर सूख जाता है। आषाढ़ी पूनम तो साल में एक बार आती है, गुरु पूर्णिमा, पर जो भक्त होते हैं उनके दिल में रोज आषाढ़ी पूनम होती है, रोज दिल में आषाढ़ के बादल उमड़ते हैं और रोज वो बादल आंखों से पानी बनकर बरस पड़ते हैं। धनभागी है वो सज्जन भाई और बहनें माताएं, जिनके दिल में मीरा की तरह अपने गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति दृढ़ अटूट भक्ति है। भले बाहर से ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव नहीं पधारे, पर सच में देखा जाए तो वो कभी हमसे दूर जाते ही नहीं है। वो ऐसे कृपा सिंधु हैं, दूर नहीं जाते। आप देखो, श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उसके 5000 साल के बाद मीरा का जन्म हुआ, पर मीरा ने ऐसी भक्ति की कि 5000 साल की दूरी को खत्म कर दिया और श्री कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। जो उपस्थित थे अनुपस्थित होकर, जब क्षुद्र में लीन हो जाता है तब जो अनुपस्थित होकर भी उपस्थित है वो प्रकट हो जाते हैं। धनभागी है गोपियां, जिनके लिए भगवान कृष्ण ने कहा ताम मन मनस कहा। उद्धव, गोपियों का मन मुझ में स्वाभाविक ही लग गया था, पर अर्जुन को तो श्री कृष्ण ने कहा कि मन मुझ में लगाओ। ब्रज की गोपियों को प्रणाम है जिनका मन भगवान में लगा। रुपया नहीं होता, चीज वस्तुएं कम होती है, तब तो कई लोग रो लेते हैं, पर धनभागी हैं वे जो भगवत भक्ति के अभाव में रो पड़ते हैं कि मेरे दिल में भक्ति नहीं है, मेरे दिल में प्रभु चरणों की प्रीति नहीं है। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे अपने चरणों की भक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करके जिसकी आंख में आंसू आ जाते हैं वो धन्य है।
सभी कितने पुण्य आत्मा हैं, कितने पवित्र आत्मा हैं। आपके दिल में जो सत्संग के लिए श्रद्धा है, भगवत स्वरूप परमात्म तत्व प्राप्त बापूजी के लिए आपके दिल में जो प्रीति है, घंटों भर आप शांति से और श्रद्धा से बैठे रहते हैं अपनी जगह पर। आपकी इस भक्ति भावना को सचमुच में वंदन है, और भगवान करे कैसी भक्ति हमारी और बढ़े और बढ़े। भगवान राम लक्ष्मण जब शबरी के आश्रम पर पहुंचे, तब शबरी बहुत रो पड़ी। राम जी ने कहा, शबरी तुमको तो खुशियां मनानी चाहिए, तुम रोती क्यों हो? शबरी ने कहा, प्रभु आज मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आप पधारे हो। पर रोना मुझे इसलिए आया प्रभु कि मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ गई। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि शबरी राम जी आएंगे, आज मेरे गुरुदेव का वचन सत्य साबित हो गया, जो आप पधारे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण चलो, मैं तुम्हें ये मतंग ऋषि का शबरी का आश्रम दिखाऊं। आश्रम दिखा रहे हैं, शेर और गाय साथ में बैठे, सांप और मोर साथ में खेल रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये कैसे? राम जी ने कहा, शबरी की भक्ति ने इन प्राणियों के वैर को विस्मृत कर दिया है। इसलिए ये प्यार से बैठे। इतने में लक्ष्मण जी की नजर पड़ी किसी सन्यासी के गीले कपड़े, धोती है, कॉपिन है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप तो कहते थे शबरी अकेली रहती है, ये देखो किसी सन्यासी के कपड़े। राम जी ने कहा, हां ये मतंग ऋषि के कपड़े। लक्ष्मण जी को और आश्चर्य लगा कि प्रभु उनको तो शरीर छोड़े बहुत समय हो गया ना। बोले हाँ बहुत साल बीत गए, तो कपड़े तो गीले हैं, अभी अभी किसी ने डाले हो सुखाने, ऐसे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सच मान, ये मतंग ऋषि के ही कपड़े हैं। बोले प्रभु मैं कैसे मानूं, वो तो कब शरीर छोड़े और कपड़े अभी गीले हैं। इतने में शबरी सामने आ गई। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जब मतंग ऋषि पंपा सरोवर में स्नान करके कुटीर में आए, उनको पता चला कि अब शरीर छोड़ने का समय आया है। उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा था, बेटी मैं जा रहा हूं। तो शबरी गुरुदेव से कहने लगी कि मुझे भी साथ ले चलो,
गुरु ने कहा, नहीं बेटी, तेरा प्रारब्ध भी यहीं रहने का है, मैं भी यहां हूं, तू चिंता मत कर, मैं यहीं हूं। तब से शबरी के मन में ये भाव है कि मेरे गुरुदेव यहीं हैं, अभी स्नान करके कुटीर में गए। लक्ष्मण, वर्षों बीत गए पर शबरी के भाव ने कपड़ों को सूखने नहीं दिया है। इतने में शबरी को भी वो समय याद आ गया, गुरु की कुटीर में गई, फिर से शबरी को अपने गुरुदेव की याद आई, हृदय में आषाढ़ के बादल उमड़े और आंखों से वो बादल बरस पड़े। वहां रस्सी टूट पड़ी, कपड़े सूख कर नीचे गिरे और शबरी के जीवन की ज्योति भगवान में समा गई। ये वो भारत भूमि है जिस भारत भूमि में ऐसे महान भक्त हुए हैं, हम उस भारत भूमि में जन्मे हैं, तो क्यों ना हम भी उन्हीं महान भक्तों का अनुकरण अनुसरण करते हुए अपना जीवन सार्थक कर। जीवन इसीलिए है, शांत जीव को तालों में लगाए हुए थोड़ा जप करें, फिर जप सुने। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। इस सर पे तुम्हारा साथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। के तेरे ज्ञान में मन और बुद्धि टिके, तेरे चरणों में ये शीश झुके, तेरे ज्ञान में मन और बुद्धि टिके। तेरे चरणों में मेरा शीश झुके, तेरे चरणों में मेरा शीश झुके। मेरी श्रद्धा भक्ति बढ़ती रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरी श्रद्धा भक्ति बढ़ती रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
दर्शन की ही प्यास रहे, तू हर पल मेरे पास रहे। तेरे दर्शन की ही प्यास रहे, तू हर पल मेरे पास रहे। तू हर पल मेरे पास रहे, तू हर पल मेरे पास रहे। तेरे दर्शन की ही प्यास रहे, तेरे दर्शन की ही प्यास रहे। नमन सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। हम नमन सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। हमको लगन रहे, तेरे सुमिरन में हम मगन रहे। तेरे नाम की हमको लगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे। हरि नाम की हमको लगन रहे, हरि नाम की हमको लगन रहे। संयम सेवा की दृढ़ता रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। संयम सेवा की दृढ़ता रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। ये विनती सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। जो शब्द मेरे मुख से निकले हैं नाथ, उन्हें स्वीकार करें। जो शब्द मेरे मुख से निकले हैं नाथ, उन्हें स्वीकार करें। हे नाथ उन्हें स्वीकार करें, हे नाथ उन्हें स्वीकार करें। मेरे भाव सदा ऐसे ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। मेरे भाव सदा ऐसे ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों।